ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी एक्टिव होए हुए हैं लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ माइनिंग पॉलिसी के कढ़ाया जाएगा हाले तक जो 200 करोड़ भी कढ़ दें तो मैं मान जाऊँगा। देखो पहली गल तो मैं कहना चाहनी हाँ भी जो पुराना सीगा बारे तो असं की गल करांगे क्योंकि वो तो सारा उलझा बुलझा जहा ताना सी जिहड़ा साढ़े ताना बाणा हाथ च पकड़ाया गया। सीएम हाउस के बाहर 180 अध्यापक बैठे थे जो काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष कर रहे थे कहा जा रहा है अगे अधिकारियों के मीटिंग करा के तोड़ दिता जाता तुम कह रहे हो कि सीएम साहब खुले समय के सबनों मिलते हैं। सिद्धू साहब बहुत गुमराह करने वाले बयान देंदे रहेंदे अक्सर। देखो पटियाला हिंसा की जिहड़ी घटना सीगी उहदे विच बहुत क्लीयर है कि वह कोई भी दो ग्रुप्स की कलैश नहीं सीगा वह पोलीटिकली मोटिवेटड सीगा। आम आदमी पार्टी के अज 50 दिन पूरे हो चुके हैं सरकार बने नूं पंजाब दे विच जेकर गल की जाए तो एक तो बाद एक वड्डे एक्शन सरकार लैंदी नज़र आ रही है। इसी दे नाल जेकर गल की जाए अज दी तां एक इश्तहार जारी किया गया जिस दे विच जिक्र किया गया कि 26,454 नौकरियां दित्तियां जाणगियां पोर्टल भी जारी कर दिता गया। इस दे नाल ही आपस दे विच देख जेकर देखा जाए तो काफ़ी सवाल भी खड़े होंदे ने क्योंकि हाले तक पुरानियां जो नौकरियां जो निकलियां सीगियां वो बहाल नहीं हुई भर्ती प्रक्रियावां पूरियां नहीं हुई तो इस समय इस मुद्दे के उत्ते सरना गलबात करन दे लई मौजूद ने अमृतसर पूर्वी तो विधायक जीवनजोत कौर जी उन्हां तों जाणांगे कि यह नौकरियां सिरे चढ़नगियां या फिर पहलां दी तरह जिवें भर्तियां लटकियां हुई ने उस तरीके दे नाल इह वी रहणगियां। सब तो पहले मैं बहुत बहुत स्वागत है सत श्रीकाल जी थैंक यू सो मच। 26,454 नौकरियां कढ़ दित्तियां गईयां ने एक वधिया कहा जा सकता सरकार दा उपराला पर हाले तक पुरानियां भी जेकर गल की जाए भर्तियां बहाल नहीं हुई। देखो पहली गल तो मैं यह कहना चाहनी हाँ भी जो पुराना सीगा उहदे बारे तो असं की गल करांगे क्योंकि वह तो सारा उलझा बुलझा जिहा ताना सी जिहड़ा साढ़े ताना बाणा हाथ च पकड़ाया गया पर आने वाले समय के विच बहुत क्लीयर है कि असी जिन्हें वादे किए सीगे जिन्नियां गैरंटीज़ दित्तियां सीगियां वह बहुत जल्दी हर एक गैरंटी के उत्ते पूरे ते खरे उतरांगे। सो ये अजे शुरुआत है महज 50 दिन दे विच काफ़ी वड्डियां वड्डियां काफ़ी वड्डे वड्डे ऐलान सरदार भगवंत सिंह मान साहब होना ने किए ने और आने वाले समय दे विच भी जिहड़ा साडा एक सुपना सीगा कि पंजाब नूं मुड़ तों खुशहाल बनाउणा है वह सुपना किते ना किते तुसीं पूरा हुंदा बहुत जल्दी देखोगे। एक नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी एक्टिव होए हुए ने लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार नूं घेर रहे ने कह रहे ने कि कांग्रेस की सरकार दे समय रेता काफ़ी सस्ता सी परंतु जेकर हुण दी गल कीती जावे तां 30,000 नूं ट्राली हो चुका है जबकि केजरीवाल साहब दे वल्लों कहा गया सीगा कि 20,000 करोड़ माइनिंग पॉलिसी दे विच्चों कढ़िया जाएगा हाले तक जे वह 200 करोड़ भी कढ़ देण तां मैं मान जाऊँगा। देखो पहली गल तो यह है कि सिद्धू साहब बहुत गुमराह करन वाले बयान देंदे रहिंदे अक्सर और मैं सब जगह एग्जाम्पल दे रही हाँ 2-3 जगह के उत्ते कि एक कि कोई गरीब लेडी है दुपहरे वो सुती पई सीगी तो उहदी पता नहीं की न्यूज़ बना के उन्होंने दे दित्ती। सो सिद्धू साहब नूं असीं कहना चाहुंदे वी जिन्ना कु वड्डा अपना उह स्टेचर दसदे आ अपनियां स्टेटमेंट्स भी थोड़ी जिहियां चैक करके फिर स्टेटमेंट्स दिया करन आदतन विरोध जिहड़ा हैगा वह बहुत चंगी गल नहीं है। हैविंग सैड दैट जिहड़ा साडा अज दा इशू है कि असीं अज 50 दिन कंप्लीट कीते आ और महज 50 दिन दे विच इन्ने वड्डे वड्डे फैसले लै लैने और नाल लोकां नूं एश्योर करा रहे कि यह अजे शुरुआत है क्योंकि असीं हमेशा ये कहते रहे कि पंजाब का मेन मुद्दा जिहड़ा अनइंप्लॉयमेंट है जिहदे करके बहुत सारे बाकी दे इशूज़ भी रिलेटेड ने और अगर वो अनइंप्लॉयमेंट नूं भी असीं टैकल करना शुरू कर दिंदे आ तां उहदे नाल काफ़ी सारे मुद्दे जिहड़े आ बाकी भी हल हो जांदे। सीएम साहब लगातार कहिंदे ने कि आम आदमी पार्टी की सरकार है परंतु अज जेकर गल की जाए तो सीएम हाउस के बाहर 180 अध्यापक बैठे थे जो काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष कर रहे थे कहा जा रहा है कि समा लिया जा रहा उन्होंने तो आए बारी जब भी आने हैं अगे अधिकारियों के नाल मीटिंग करा के तोड़ दिता जाता तुम कह रहे हो कि सीएम साहब खुले समय के सबनों मिलते हैं किवें मेरे ख्याल इशूज़ वो इशूज़ ने जोड़े ऑलरेडी जो असी अजे सरकार भी बनाई भी नहीं सी तो यूनियनज़ ने सानू पहला ही अप्रोच किया होया सी। सो हर यूनियन के जोड़े नुमाइंदे ने उन्होंने यही कहा जा रहा है कि ये साढ़े यू नो सरकार के ध्यान च ने सारे इशूज़ पर रातों रात सारे इशूज़ का हल नहीं निकलना अज अगर इन नौकरियों का ऐलान किया गया तो विद इन अ फ्यू डेज़ एक यूनियन का जोड़ा इशू सेगा वह हल कढ़िया जाएगा। सो हौली हौली करके हर चीज़ का हल कढ़िया पटियाला हिंसा की घटना किवें देख। देखो पटियाला हिंसा की जिहड़ी घटना सीगी उहदे विच बहुत क्लीयर है कि वह कोई भी दो ग्रुप्स की कलैश नहीं सीगा वह पोलीटिकली मोटिवेटड सीगा और हुण काफ़ी समय तो बार बार पंजाब का अमन ते शांति भंग करन की कोशिश की जा रही है और असीं तुहाडे माध्यम राही यही कहना चाहुंदे हां कि हुण ये
पंजाब दे विच अमन शांति भंग करन दा किसे नू भी ये इजाजत नहीं दिती जाएगी और जिहड़ा भी दोषी पाया जांदा उहनू कड़ी तो कड़ी सज़ा। पोलिटिकली तुसीं गल कीती है, किहड़ी पार्टी दे उत्ते शक लगदा? देखो जी, बीजेपी दंगा फसाद पार्टी है। तुसीं हाल ही विच इक सर्वे देखो, कल परसों दा सर्वे है जिहदे विच ऑलमोस्ट आई थिंक 80% लोकां ने इह किहा कि बीजेपी गुंडियां दी पार्टी है ते दंगा फसाद पार्टी है। मैं तां हर जगह ते बयान दित्ते होए, तुसीं मेरा ट्विटर अकाउंट चैक कर लो, मैं बहुत देर तो कह रही हां कि बीजेपी दंगा फसाद पार्टी है। पर मैम, एक अपने आप च सवाल भी तो खड़ा होंदा कि जदों दो गुट आपस दे विच काफ़ी समय तो चैलेंज कर रहे हैं तो उन्होंने पहला भी तो नत्थ पाई जा सकती? देखो गल ये है, गल दसन वाली गल ये है कि जो होया उन्हों किन्नी देर च कंट्रोल किया गया और सरकार ने उदे उत्ते की एक्शन लिया और उदे उत्ते सिट बिठा दी गई है। सो बार बार असी एक गल कह रहे हैं कि ये जड़ी विरोधी पार्टियां वालों समय समय से कोशिश की जा रही है कि पंजाब की अमन शांति भंग करनी है, वो इस बार कामयाब नहीं होएगा। थैंक यू। सो ये सन साडे नाल मैडम जीवनजोत कौर जी, जिन्होंने कह दिता कि जो पटियाले दे विच घटना वापरी सी वो कोई दो गुटां दा आपसी कलैश नहीं सीगा, ये विरोधी पार्टियां दे वल्लों जो कहा गया जा रहा है कि विरोधी पार्टियां दे वल्लों एक चली गई एक कुजी साजिश सी। हालांकि हुण देखना होगा, जांच इस दे विच लगातार जारी है कि आखिर इस दे पिछे की मनसूबे रहे सीगे, आखिर इस दे विच किसदा वड्डा हथ रहा सी, देखना अपने आप च काफ़ी अहम होगा। बने रहो निरपक्ष पोस्ट दे नाल, खबर दी निरपक्ष आवाज़। देखो जी, बीजेपी दंगा फसाद पार्टी है। तुसीं हाल ही विच एक सर्वे देखो, कल परसों का सर्वे है जिहदे विच ऑलमोस्ट आई थिंक 80% लोगों ने यह किया है कि बीजेपी गुंडियां दी पार्टी है। नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी एक्टिव होए हुए हैं, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ माइनिंग पॉलिसी के विचों कढ़ाया जाएगा। हाले तक जे वो 200 करोड़ भी कढ़ देन तां मैं मान लूंगा। देखो पहली गल तो मैं ये कहना चाहनी हाँ भी जो पुराना सीगा उहदे बारे ते असीं की गल करांगे, क्योंकि वो तो सारा उलझा बुलझा जिहा ताना सी जिहड़ा साडे ताना बाणा हाथ च पकड़ाया गया। सीएम हाउस के बाहर 180 अध्यापक बैठे थे जो काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष कर रहे थे, कहा जा रहा है अगे अधिकारियों के मीटिंग करा के तोड़ दिता जाता। तुम कह रहे हो कि सीएम साहब खुले समय के सबनों मिलते हैं? सिद्धू साहब बहुत गुमराह करने वाले बयान देंदे रहेंगे अक्सर। देखो पटियाला हिंसा की जिहड़ी घटना सीगी उहदे विच बहुत क्लीयर है कि वह कोई भी दो ग्रुप्स की कलैश नहीं सीगा, वह पोलीटिकली मोटिवेटड सीगा। आम आदमी पार्टी दे अज 50 दिन पूरे हो चुके ने सरकार बने नूं, पंजाब दे विच जेकर गल कीती जावे तां एक तो बाद एक वड्डे एक्शन सरकार लैंदी नज़र आ रही है। इसी दे नाल जेकर गल कीती जावे अज दी तां एक इश्तिहार जारी किया गया जिस दे विच जिक्र किया गया कि 26,454 नौकरियां दित्तियां जाणगियां, पोर्टल भी जारी कर दिता गया। इस दे नाल ही आपस दे विच देख जेकर देखा जाए तो काफ़ी सवाल भी खड़े होंदे ने, क्योंकि हाले तक पुरानियां जो नौकरियां जो निकलियां सीगियां वह बहाल नहीं हुई, भर्ती प्रक्रियावां पूरियां नहीं हुई। तो इस समय इस मुद्दे के उत्ते छड़ना गलबात करन दे लई मौजूद ने अमृतसर पूर्वी तो विधायक जीवनजोत कौर जी, उन्हां तो जाणा कि की ये नौकरियां सिरे चढ़नगियां या फिर पहलां दी तरह जिवें भर्तियां लटकियां हुई ने उसे तरीके दे नाल ये भी रहणगियां? सब तो पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है। सत श्रीकाल जी, थैंक यू सो मच। 26,454 नौकरियां कढ दी गई ने, एक वधिया कहा जा सकता सरकार का उपराला, पर हाले तक पुरानियां भी जेकर गल की जाए भर्तियां बहाल नहीं हुई। देखो पहली गल तो मैं ये कहना चाहनी हाँ भी जो पुराना सीगा उहदे बारे ते असीं की गल करांगे, क्योंकि वो तो सारा उलझा बुलझा जिहा ताना सी जिहड़ा साडे ताना बाणा हाथ च पकड़ाया गया। पर आउण वाले समय दे विच बहुत क्लीयर है कि असीं जिन्ने वादे कीते सीगे जिन्नियां गारंटीज़ दित्तियां सीगियां वो बहुत जल्दी हर एक गारंटी दे उत्ते पूरे ते खरे उतरांगे। सो ये अजे शुरुआत है, महज 50 दिन दे विच काफ़ी वड्डियां वड्डियां काफ़ी वड्डे वड्डे ऐलान सरदार भगवंत सिंह मान साहब होना ने कीते ने, और आने वाले समय दे विच भी जिहड़ा साडा एक सुपना सीगा कि पंजाब नूं मुड़ तों खुशहाल बनाउणा है वो सुपना किते ना किते तुसीं पूरा हुंदा बहुत जल्दी देखोगे। एक नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी एक्टिव होए हुए ने, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार नूं घेर रहे ने, कह रहे ने कि कांग्रेस की सरकार के समय रेता काफ़ी सस्ता थी, परंतु जेकर हुण दी गल कीती जावे तो 30,000 नूं ट्राली हो चुका है, जबकि केजरीवाल साहब दे वल्लों कहा गया सीगा कि 20,000 करोड़ माइनिंग पॉलिसी दे विचों कढ़िया जाएगा। हाले तक जे वह 200 करोड़ भी कढ़ देन तां मैं मान लूंगा। देखो पहली गल तो यह है कि सिद्धू साहब बहुत गुमराह करन वाले बयान देंदे रहिंदे अक्सर, और मैं सब जगह एग्जाम्पल दे रही हाँ 2-3 जगह के उत्ते कि एक कि कोई गरीब लेडी है दुपहरे वो सुती पई सीगी तो उहदी पता नहीं की न्यूज़ बना के उन्होंने दे दित्ती। सो सिद्धू साहब नूं असीं कहना चाहते भी जिन्ना क वड्डा अपना वो स्टेचर दस दे आ, अपनियां स्टेटमेंट्स भी थोड़ी जिहा चैक करके फिर स्टेटमेंट्स दिया करन। आदतन विरोध जिहड़ा हैगा वो बहुता चंगी गल नहीं है। हैविंग सैड दैट, जिहड़ा साडा अज दा इशू है कि असीं अज 50 दिन कंप्लीट कीते है और महज 50 दिन दे विच इन्ने वड्डे वड्डे फैसले लै लेने, और नाल लोकां नूं इह श्योर करा रहे कि ये अजे शुरुआत है, क्योंकि असीं
हमेशा ये कहते रहे कि पंजाब का मेन मुद्दा जो अनइंपलॉयमेंट है जिदे करके बहुत सारे बाकी के इशूज़ भी रिलेटिड ने और अगर वो अनइंपलॉयमेंट भी असं टैकल करना शुरू कर दें तो वो काफ़ी सारे मुद्दे जोड़े बाकी भी हल हो जाते हैं। सी एम साहब लगातार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है परंतु अज जेकर गल की जाए तो सी एम हाउस के बाहर 180 अध्यापक बैठे थे जो काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष कर रहे थे। कहा जा रहा है कि समा लिया जा रहा उन्होंने तो आए बारी जब भी आने अगे अधिकारियों के मीटिंग करा के तोड़ दिता जाता। तुम कह रहे हो कि सीएम साहब खुले समय के सब नू मिलते हैं किवें दे मेरे ख्याल इशूज़ वो इशूज़ ने जोड़े ऑलरेडी जो असी अजे सरकार भी बनाई भी नहीं सी तो यूनियनस ने सानू पहला ही अप्रोच किया हो सो हर यूनियन के जोड़े नुमाइंदे ने उन्होंने यही कहा जा रहा है कि ये साढ़े यू नो सरकार के ध्यान च ने सारे इशूज़ पर रातों रात सारे इशूज़ का हल नहीं निकलना। अज अगर इन नौकरियों का ऐलान किया गया तो विद इन अ फ्यू डेज़ एक यूनियन का जरा इशू से हल कढ़िया जाएगा। सो हौली हौली करके हर चीज़ का हल कढ़िया। पटियाला हिंसा की घटना किवें देख देखो पटियाला हिंसा की जिहड़ी घटना सीगी उहदे विच बहुत क्लीयर है कि वह कोई भी दो ग्रुप्स की कलैश नहीं सीगा वो पोलीटिकली मोटिवेटड सीगा और हुण काफ़ी समय तो बार बार पंजाब का अमन तो शांति भंग करन की कोशिश की जा रही है और असी तुहाडे माध्यम राही यही कहना चाहते हाँ कि हुण ये पंजाब दे विच अमन शांति भंग करन दा किसे नू भी ये इजाजत नहीं दी जाएगी और जिहड़ा भी दोषी पाया जाता उन्हों कड़ी तो कड़ी सज़ा। पोलीटिकली तुसी गल कीती है किहड़ी पार्टी दे तुसी शक लगदा? देखो जी बीजेपी दंगा फसाद पार्टी है। तुसी हाल ही विच एक सर्वे देखो कल परसों का सर्वे है जिहदे विच ऑलमोस्ट आई थिंक 80% लोगों ने यह किया है कि बीजेपी गुंडियां दी पार्टी है तो दंगा फसाद पार्टी है। मैं तो हर जगह पर बयान देते हुए तुसी मेरा ट्विटर अकाउंट चैक कर लो मैं बहुत देर तो कह रही हूँ कि बीजेपी दंगा फसाद पार्टी है। पर मैम एक अपने आप सवाल भी तो खड़ा होंदा कि जदों दो गुट आपस दे विच काफ़ी समय तो चैलेंज कर रहे हैं तो उन्होंने पहले भी तो नत्थ पाई जा सकती। देखो गल यह है गल दसन वाली गल यह है कि जो होया उन्हों किन्नी देर च कंट्रोल किया गया और सरकार ने उदे उत्ते की एक्शन लिया और उदे उत्ते सिट बिठा दी गई है। सो बार बार असीं इक्के गल कह रहे हैं कि ये जिहड़ी विरोधी पार्टियां वालों समय समय से कोशिश की जा रही है कि पंजाब की अमन शांति भंग करनी है वो इस बार कामयाब नहीं होएगा। थैंक यू। सो ये सन साडे नाल मैडम जीवनजोत कौर जी जिन्होंने कह दिता कि जो पटियाले दे विच घटना वापरी सी वो कोई दो गुटां दा आपसी कलैश नहीं सीगा ये विरोधी पार्टियां दे वल्लों जो कहा गया जा रहा है कि विरोधी पार्टियां दे वल्लों एक चली गई एक कोझी साजिश सी। हालांकि हुण देखना होगा जांच इस दे विच लगातार जारी है कि आखिर इस दे पिछे की मनसूबे रहे सीगे आखिर इस दे विच किसदा वड्डा हथ रहा सी देखना अपने आप च काफ़ी अहम होगा। बने रहो निरपक्ष पोस्ट के खबर की निरपक्ष आवाज पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज विजिट करो www.nirpakhpost.com।